आपका स्वागत करता हूं मेरा चैनल डी क्वेश्चन पर फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपको सीजीएल और एस एस सी एग्जाम अपेयर करने में आपको मदद कर सकता है तो आपको क्या करना है अपने नोटबुक को निकाल देना है और इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अपने कॉपी में लिख देना है ताकि ये आपको एग्जाम के दौरान मदद कर सके तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटोरी टू इम्पेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कम्पिटन ऑफ हिज और हार्ड टर्म पहला ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर दूसरा है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा तीसरा है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चौथा है द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसका आंसर होगा और impeachment of president के बारे में हमारे इंडियन आर्टिकल 61 में हमारे भी किया गया है आते हैं हाउ मे टाइप रीट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला है और तो उसका सटीक आंसर होगा को वेंट ये सब उसके रीट्स हैं पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद ऑफ द फॉलोइंग पहला है द यूनियन दूसरा है द स्टेट तीसरा है द फंडामेंटल राइट चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो चौथा जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे पार्ट फोर में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स से लेकर आर्टिकल नंबर फिफ्टी वन तक है देन हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर मैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला है फाइव दूसरा है सेवन तीसरा है नाइन चौथा है इलेवेन्थ तो उसका सटिक आंसर होगा इलेवन फंडामेंटल ड्यूटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है देन व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म को वारंट पहला है वी कमांड दूसरा है टू फॉरविड तीसरा है बाय व्हाट अथॉरिटी चौथा है नॉन ऑफ दिस तो उसका सटीक आंसर होगा बाय व्हाट अथॉरिटी देन नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिच कंट्री पहला है ब्रिटेन दूसरा है यूएसए तीसरा है आईलैंड एंड चौथा है ऑस्ट्रेलिया उसका सटीक आंसर होगा आयलैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं हु एमंग द फॉलोइंग गैप मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सबोज मोनास्टिक थ्योरी ऑफ सबोजिनिटी पहला है ऑस्टिन दूसरा है डॉलविन तीसरा है अरिस्टोटल चौथा है मार्क्स उसका सठीक आंसर होगा ऑस्टिन द नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहला है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दूसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीसरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौथा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उसका सठीक आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द नेक्स्ट क्वेश्चन ने पढ़ाते हैं एक्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया पहला है प्राइम मिनिस्टर दूसरा है प्रेसडेंट तीसरा है कैबिनेट सेक्रेटरी चौथा है फाइनेंस सेक्रेटरी तो उसका सटीक आंसर होगा प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैंच ऑफ द फोइंग आर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पहला है दिया है प्रेसिडेंट दूसराउंसिल ऑफ स्टेट एंड तीसरा है द हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा देन उसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि वन टू और थ्री तीनों को ही कॉन्सिस्ट करता है तो प्रेसिडेंट होगा राज्यसभा होगा और लोकसभा इन तीनों को मिलकर ही हमारा इंडियन पार्लियामेंट बनता है द द नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ऑफ फॉलोइंग हैज सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दूसरा है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया तीसरा है काउंसिल मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौथा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उसका सटीक आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवेन इन विच केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला ऑप्शन है सेकंड स्केड्यूल दूसरा है टेंथ स्केड्यूल तीसरा है थर्ड स्केड्यूल चौथा है फोर्थ स्केड्यूल उसका सटीक आंसर होगा टेंथ स्केड्यूल व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ क्राइटोरिया तो पहला ऑप्शन है वी कमांड दूसरा है टू हैव द बॉडी ऑफ दूसरा है टू फॉरवर्ड और चौथा है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म तो उसका सटीक आंसर होगा डी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म देन अपॉइंट गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया पहला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दूसरा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तीसरा है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट चौथा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका सठीक आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुइच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी पहला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी दूसरा है आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी टू तीसरा है आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड ट्वेल चौथा है आर्टिकल नंबर टू एटी उसका सठीक आंसर होगा आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी टू जहाँ पर हमारा नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है देन आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी सिक्स में स्टेट एमरजेंसी और आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी में हमें फाइनेंस एमरजेंसी के बारे में बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउस ऑफ आवर कंट्री पहला है प्राइम मिनिस्टर दूसरा है फाइनेंस मिनिस्टर तीसरा है प्रेसिडेंट चौथा है, है रेलवे मिनिस्टर उसका सठीक आंसर होगा प्रेसिडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर आते हैं फंड ड्यूटी आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला है पार्ट सेकंड दूसरा है पार्ट थर्ड तीसरा है पार्ट फिफ्थ चौथा है पार्ट फोर्थ ए तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा पार्ट फोर ए द नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं वट इज द मिनिमम एज ऑफ और एस फॉर बिकमिंग ए गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया पहला ऑप्शन है थर्टी दूसरा है ट्वेंटी फाइव तीसरा है थर्टी फाइव चौथा है फोर्टी फाइव तो उसका सही आंसर होगा थर्टी फाइव ने नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर आते हैं अंडर हुच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी पहला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर थर्टी टू दूसरा है आर्टिकल नंबर थ्री फोर्टी नाइन तीसरा है आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी चौथा है आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी फाइव उसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पहला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर थ्री आर्टिकल नंबर थर्टी टू दूसरा है आर्टिकल नंबर थ्री फोर्टी नाइन तीसरा है आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी सिक्स चौथा है आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी तो उसका सठीक आंसर होगा आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी सिक्स जिससे हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हाउ मेनी मेंबर ऑफ द अपर हाउस राज्यसभा कैन बी नोमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेन ट्वेल्व फोर्टीन और सिक्सटीन तो उसका सठीक आंसर होगा ट्वेल्व

हुच ऑफ द फोलोइंग राइट हैज़ बी रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड टू ए सिंपल लीगल राइट पहला है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दूसरा है राइट टू प्रॉपर्टी तीसरा है राइट टू एजुकेशन चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसका सटीक आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी दे नेक्स्ट क्वेश्चन हुई ऑफ द फोलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी पहला है टू सेव टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी दूसरा है टू प्रोटेक्ट इंप्रूव द नेचुरल एन्वायरमेंट देन तीसरा ऑप्शन है टू प्रोमोट हार्मोनी चौथा है टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच असज एक्सप्रेशन उसका सही आंसर होगा टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच असज एक्सप्रेशन देन नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर पहला ऑप्शन है टू दूसरा फोर तीसरा सिक्स चौथा फाइव तो उसका सठीक आंसर होगा सिक्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर आते हैं हु इज द कॉस्टेडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंसी कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया तो पहला ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर दूसरा है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तीसरा द प्रेसिडेंट चौथा द फाइनेंस मिनिस्टर उसका सठीक आंसर होगा द प्रेसिडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डजेंव ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पहला है यूनाइटेड किंगडम दूसरा ऑस्ट्रेलिया तीसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चौथा बांग्लादेश उसका सठीक आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम द नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मनी मंथ पर ऑप्शन है टू मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ नाइन मंथ तो उसका सटीक आंसर होगा टू मंथ इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल फ्रॉम कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन पहला ऑप्शन है किंगडम तीसरा कनाडा चौथा आयरलैंड तो उसका सटीक आंसर होगा इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहला ऑप्शन है तो उसका सटीक आंसर नॉन बार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट पहला है चेंज इन द फंडामेंटल राइट दूसरा है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट चौथा है रूल्स एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट उसका सही आंसर होगा चेंज इन फंडामेंटल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल्स वाज रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहला है आर्टिकल नंबर फोर दूसरा आर्टिकल नंबर थर्टी टू तीसरा आर्टिकल नंबर ट्वेंटी एट चौथा आर्टिकल नंबर थर्टी तो उसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर थर्टी दे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कुछ आर्टिकल कैन बी यूज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेर फाइनेंशियल इमरजेंसी पहला है आर्टिकल नंबर थर्टी टू दूसरा है आर्टिकल नंबर थ्री फोर्टी नाइन तीसरा है आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी चौथा है आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी फाइव उसका सठी आंसर होगा आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी पहला ऑप्शन है टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेस्पेक्ट द नेशनल पार्क दूसरा तो है टू प्रमोट हारमोनी एंड ब्रदरहुड तीसरा है टू अपोल्ड एंड प्रोटेक्ट द दबोजिटी चौथा है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकाडमिक उसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडेमिक नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम सिक्सटी टू सिक्स टू ईयर तो पहला है टेंथ ट्वेल्थ फिफ्टीथ टू हंड्रेड फोर्टी फिफ्थ तो उसका सटीक आंसर होगा फिफ्टीन

कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट है वायोलेटेड बाय द स्टेट पहला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दूसरा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी तीसरा है राइट एग्नेस एक्सप्लोटेशन चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो उसका सही आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर डेक्स पहला ऑप्शन है नाइनटीन फोर्टी दूसरा है नाइनटीन फोर्टी सिक्स तीसरा है नाइनटीन फोर्टी सेवन चौथा है नाइनटीन फिफ्टी उसका सही आंसर होगा नाइन फोर्टी सिक्स देन मीन्स कैश देट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट पहला ऑप्शन है ओरिजिनल जुरिडिक्शन दूसरा है रिट जुरिडिक्शन तीसरा है एपीलेट चौथा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन उसका सठीक आंसर होगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिडिक्शन कैन एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायोलेटेड कैन डायरेक्टली मूव टू द द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिमेडी पहला है ओरिजिनल ज्यूरिजिक्शन दूसरा है रीड जुरी तीसरा है एपिलेट ज्यूरिजिक्शन चौथा है एडवाइजरी जुडिजिक्शन तो इसका सटीक आंसर होगा रिट जुरशन डेस्ट मीस दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस पहला है ओरिजिनल जुडिडिक्शन दूसरा है रिट जुरीशन और तीसरा है एपीलेट जुरी चौथा है एडवाइजरी तो उसका सटीक आंसर होगा एडवाइजरी जुरीडिक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देर आर टोटल डेस्ट पार्लियामेंट्री सीट इन सिक्किम इलेवन नाइनटीन टेन या वन तो उसका सटीक आंसर होगा वन ट्रेड यूनियन इज लिस्टेड इन द डेस्ट लिस्ट आई गिवेन इन दवेंथ स्कड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला यूनियन दूसरा स्टेट तीसरा ग्लोबल चौथा कॉन्करेंट तो उसका सटीक आंसर होगा कॉन्करेंट लिस्ट में ये ट्रेड यूनियन है डेस्ट इट इज यूज बाय द हायर कोर्ट हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर ए केस गोइंग बियॉन्ड इट जुरिडिक्शन पहला हैबस कॉर्पस दूसरा है मैंोस दूसरा है, है प्रोहिबिशन चौथा है को वारंट उसका सटीक आंसर होगा प्रोहिबिशन इन विच ईयर वॉज ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेंत्र काजाकम्बा ए ए आई ए डी एम के फाउंडेड जो कि हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है वो कब हुआ था तो पहला ऑप्शन 1949 दूसरा है 1999 हंड्रेड तीसरा है नाइनटीन चौथा है 1997 तो नाइन उसका सटीक आंसर होगा 1972 में ए आई ए डी एम के फाउंड हुआ था हुच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इक्वल एसेस टू द शॉप बाथिंग घाट्स होटल एक्सेट्रा पहला है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तीसरा है राइट टू इक्वालिटी चौथा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तो उसका सठीक आंसर होगा राइट टू इक्वालिटी डेक्स मींस दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस पहला है ऑरिजिनल जुडिडिक्शन दूसरा है रीट जुरिडिक्शन देन तीसरा है अपीलेट जुरिडक्शन चौथा है एडवाइजरी जुडिडिक्शन तो उसका सठीक आंसर होगा एडवाइजरी जुरिडिक्शन द नेक्स्ट क्वेश्चन देर आर टोटल डेक्स पार्लियामेंट्री सीट इन त्रिपुरा पहला है सेवन दूसरा है वन तीसरा है एटीन चौथा है टेन तो उसका सटीक आंसर होगा वन टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज लिस्टेड इन द डेक्स लिस्ट गिवेन इन द सेवन स्केड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला है यूनियन दूसरा स्टेट तीसरा ग्लोबल चौथा कॉन्करेंट तो उसका सटीक आंसर होगा स्टेट देर आर टोटल डेक्स पार्लियामेंट्री सीट इन महाराष्ट्र पहला है इलेवन दूसरा है नाइनटीन तीसरा है टेन चौथा है वन तो उसका सटीक आंसर होगा नाइनटीन देन फॉरेस्ट इज लिस्टेड इन द डेक्स लिस्ट गिवेन इन द सेवेंथड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला है यूनियन दूसरा स्टेट तीसरा ग्लोबल चौथा कॉककरेंट तो उसका सठीक आंसर होगा कॉन्करेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच फंडामेंटल राइट इन इंडियन आर स्टेट दैट ऑल पर्सन शाल बी इक्वाली इक्वाली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री पहला है राइट टू इक्विटी दूसरा राइट टू फ्रीडम तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोर्टेशन चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसका सठी आंसर होगा राइट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी पहला है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू इक्वालिटी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तो उसका सटी आंसर होगा राइट टू इक्वालिटी द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं

कोर्ट फाइंड दैट ए पर्टिकुलर ऑफिसर होल इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देर वे इज इनफ्रिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल पहलापस दूसरा है तीसरा है प्रोहबिशन चौथा को वारंट तो उसका सठीक आंसर होगा द नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन द डेक्स लिस्ट गिवेन इन द सेवेंथ स्ड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला है यूनियन दूसरा स्टेट तीसरा ग्लोबल चौथा कंकरेंट तो उसका सठिक आंसर होगा कॉन्करेंट देर आर टोटल डेक्स पार्लियामेंटरी सीट इन उड़ीसा पहला है इलेवन टेन या वन तो उसका सठक आंसर होगा टेन देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड इन द डेक्स लिस्ट दसवेन इन द सेवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन स्टेट ग्लोबल कॉन्करेंट तो उसका सठीक आंसर होगा यूनियन द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं डेक्स कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ ऑन मैटर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट पहला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दूसरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तीसरा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चौथा है राज्यसभा तो उसका सठीक आंसर होगा राज्यसभा देर आर टोटल डेक्स पार्लियामेंट्री सीट इन उत्तराखंड फोर्टीन फाइव एटी और टू तो उसका सठीक आंसर होगा फाइव नेहाल मिलिट्री एंड एयरफोर्स वर्क इज लिस्टेड इन द लिस्ट गिवेन इन द सेवन स्कड्यूल इन दंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन स्टेट ग्लोबल या कॉन्करेंट तो उसका सीटिक आंसर होगा यूनियन डेक्स एमेंड कॉन्टीट्यून मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पार्लामेंट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो उसका सठीक आंसर होगा पार्लामेंट डेक्स इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लोकसभा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो उसका सठीक आंसर होगा लोकसभा हुच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स नॉट बी सस्पेंड इवेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी आर्टिकल नंबर नाइनटीन आर्टिकल नंबर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन आर्टिकल नंबर ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री या आर्टिकल नंबर ट्वेंटी फोर या ट्वेंटी फाइव उसका सठीक आंसर होगा आर्टिकल नंबर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन दे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हाउ मनी फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइव सिक्स सेवन एट उसका सठीक आंसर होगा सिक्स विच पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर बाय द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द अपोजिशन पहला ऑप्शन है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस दूसरा है एस्टिट कमिटी तीसरा है प्रिविलेज कमेटी चौथा है पब्लिक अकाउंट कमेटी उसका सटीक आंसर होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी द नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पहला ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर ओनली अंडर द इमरजेंसी कंडीशन तीसरा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चौथा है ऑन दिस ओन तो उसका सटीक आंसर होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू पहला है ऑपलिफ्टेंट ऑफ स्कड्यूल ट्राइब दूसरा है ऑपलिफ्टेंट ऑफ माइनोरिटी तीसरा है चाइल्ड मैरिज चौथा है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन तो उसका सठीक आंसर है चाइल्ड मैरिज देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कम अंडर पहला है लीगल राइट दूसरा है फंडामेंटल राइट तीसरा है ह्यूमन राइट चौथा है नेचुरल राइट right, तो उसका सठीक आंसर होगा फंडामेंटल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन एमंग द फॉंग इज नॉट ए मेबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पहला है द प्राइम मिनिस्टर द सेकेंड है द मेबर ऑफ नीति आयोग तीसरा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट चौथा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उसका सठीक आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रेंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और आपको इनमें से अगर कुछ, कुछ भी क्वेश्चन में डाउट रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका दिन शुभ हो धन्यवाद